नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्जुन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास का धमाकेदार खजाना, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। भीलवाड़ा से कुछ किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी होती थी। चित्तौड़ दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया था। दोस्तों, यह दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे गुइल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार 10वीं शताब्दी में इस पर परमारों का आधिपत्य हो गया था। बाद में सन 1133 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह ने यशोवर्मन को हराकर परमारों से मालवा छीन लिया। साथियों, 1303 ईस्वी की बात करें तो चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह की अलाउद्दीन से लड़ाई हो गई। यह लड़ाई चित्तौड़ का प्रथम शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और उसने अपने पुत्र खिजर खां को यह राज्य सौंप दिया। इसी के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। दोस्तों, आगे की बात करें तो यह किला वापस सिसोदिया वंश के पास आ गया था। सिसोदिया वंश को गुहिल वंश की एक शाखा मानी जाती है। सिसोदिया वंश का संस्थापक राणा हमीर था। राणा हमीर बड़ा पराक्रमिक और दूरदर्शी था। इन्होंने चित्तौड़ पर कई वर्षों तक शासन किया। सन 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध को मेवाड़ का दूसरा शाखा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, सन 1567 ईस्वी में मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ, जिसमें अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। ये सब मुस्लिम आक्रमण चित्तौड़गढ़ की सांस्कृतिक विनाश का मुख्य कारणों में से एक है। तीसरे शाखे के बाद ही सन 1569 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से हटाकर अरावली के मध्य पिछोला झील के पास कर दी, जो आज उदयपुर शहर के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ दुर्ग में हुए जौहर के बारे में बात करें तो यह राजस्थान का प्रसिद्ध और पहला जौहर था। पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 ईस्वी में रानी पद्मनी के नेतृत्व में जौहर किया गया। दूसरे जौहर की बात करें तो यह सन 1534 ईस्वी में राणा विक्रमादित्य व गुजरात शासक बहादुर शाह के मध्य 8 मार्च 1534 ईस्वी को हुआ था। तीसरे जौहर की जानकारी की बात करूं तो यह जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 ईस्वी में उदय सिंह के सेनापति फतेह
गुप्ता और उनकी पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।